परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गातिमोगणि, मंगलम पुष्पदं आद्यो, जैन धर्मो मंगलम, प्रथम तीर्थंकर अशोकदेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों प्रणाम करते हुए जैन जगत के महान आचार्य, जिनके माध्यम से आज हम सबको समझ पाए, जैनत्व को, दिगंबरत्व को, चर्या को, व्यवहार को, मुनि को, ऐसे आचार्य शांति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और जिन्होंने मुझे ये नग्न वेश दिया, कृपा की, अनुकंपा की, जिनके वात्सल्य की सराहना नहीं कर पा रहा हूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, ऐसे महान निमित्त आचार्य को परम पूजाचार्य विमल सागर जी के चरण प्रणाम करते हुए और एक महातपस्वी आचार्य सन्मति सागर जी के चरण प्रणाम करते हुए और जिस माने मुझे प्रेरणा दे करके यहाँ तक पहुँचाया, पद्म श्री माता के चरणों प्रणाम करते हुए प्रिय आत्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। एक प्रश्न आया था, विगत 8 दिनों से आपने क्रोध के ऊपर कहा, क्षमा की महिमा दिखलाई, मान के ऊपर कहा, उससे पिंड छुड़ाया, माया के ऊपर कहा आपने मारद धर्म के माध्यम से, आर्जो धर्म के माध्यम से, तब आत्मग्लानी पैदा हुई, फिर आपने सोच धर्म के माध्यम से मेरे लोभ पर आक्रमण किया, मेरी आकांक्षाओं से मेरा परिचय कराया, तब ऐसा लगा कि आज तक मैं कुछ समझ नहीं सका। उसके उपरांत जब आपने सत्य के संबंध में समझाया कि सत्य के बिना तो जिंदगी चल नहीं सकती, जगत भी नहीं चल सकता, हम यहाँ हैं वो सत्य है, हम धर्म को नहीं समझ पाए ये भी सत्य है, हम जिनके साथ रहते हैं उनके प्रति समर्पण नहीं कर पाए ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और जब मैंने संबंध बनाए तो स्वार्थ से ये भी सत्य है, तो वहाँ भी मुझे समझने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर आपने संयम की चर्चा की तो ऐसा लगा कि मैंने संयम के बारे में तो सोचा ही नहीं जिंदगी में, ऐसे ही भटकता रहा। उसके पश्चात आपने कहा तप के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे परिवारजन कितना तप करते होंगे, मेरी कितनी बातें समझ सहते होंगे, वहाँ भी मुझे आत्मग्लानी पैदा हुई। फिर उसके बाद में त्याग की चर्चा की आपने, मैंने आज तक जहाँ भी दान दिया अहंकार के कारण से दिया, मुझे ऐसा लगता है हाथ से चला भी गया और पापानुबंधी पुनाया मेरे पास। गुरुजी, जब सारी बातें आपने क्लियर कर दी और 8 धर्मों में सारी बातें समझ में आ गई, 9वें धर्म की चर्चा की क्या जरूरत थी आकिंचन, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, आकिंचन को 9वें पायदान पर क्यों रखा, प्रश्न बहुत अच्छा है, इसे हम जब समझेंगे तब समझ में आएगा।
जो लोग समझ के भी नहीं समझते हैं वो पशु से भी बदतर फत्तर होते हैं। एक जिज्ञासा है, तेल में उंगली डाली, बाहर निकाली, निकालने के बाद उसे धो लिया और पोंछ लिया, लेकिन गंध शेष रह गई उसके तेल की। उंगली से तेल तो नहीं दिखता, उंगली में तेल तो नहीं दिखता, लेकिन गंध है इसके अंदर। गुफा से शेर निकल करके चला गया, शेर नहीं है लेकिन शेर की दुर्गंध गुफा में विद्यमान है, लौट के आ सकता है। इसी प्रकार हमने अनैतिक तत्वों को निकाल दिया, उन तत्वों को हमने निकाला है जिनके कारण से आत्मा सदियों से परतंत्र है, सदियों से जन्म मरण की पीड़ा को झेल रही है। सिर्फ सुना है निकाल दिया, लेकिन उसकी गंध अभी शेष है, और जब तक गंध शेष रहती है तो शेर लौट के गुफा में आता है। इसलिए आकिंचन धर्म को रखा है। आदमी की आदत है, आदमी का एक नेचर है, एक प्रकृति है, स्वभाव है। वो फूल को चाहता है, वो सम्मान को चाहता है, वो इज्जत को उठती हुई देखना चाहता है, वह दूध को चाहता है, मक्खन को चाहता है, वह अच्छाई को चाहता है, भगवान को चाहता है। लेकिन ये ज्ञात होना चाहिए कि भगवान के साथ शैतान भी है, गुलाब के साथ कांटे भी हैं, अच्छाई के साथ बुराई भी है, और सम्मान के साथ अपमान भी है, और मित्र के साथ शत्रु भी है, और मीठे के साथ कड़वा भी है। भले वह अच्छाई को चाहता, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि गुलाब उसके हाथों में कितने भी दिन रह जाए, लेकिन अगर एक बार कांटा चुभ जाता है तो जिंदगी भर याद रखता है कि उस कांटे के चुभने से, अच्छाई को भूल जाता है, बुराई को याद रखता है। हजारों जगह सम्मान लिया होगा, और जिस व्यक्ति ने हजारों बार सम्मान, अनेकों बार सम्मान दिया होगा, और कभी उसने आपको नहीं समझा होगा और अपमान के शब्द निकले होंगे, तो शायद वो सीने में किसी कोने में बैठे होंगे। खीर की बहुत तारीफ करते हो, खीर खाते हो, बनाने वाले की तारीफ करते हो, कहते हो कि आदमी बहुत अच्छा भोजन बनाता है, और किसी दिन खीर में अगर कंकड़ आया होगा तो तुमने चार बातें उसे अवश्य सुनाई होगी। हम क्षमा की बात अवश्य करते हैं, जब कोई हमारे ऊपर क्रोध करता है तो हमें पता नहीं कितनी चीजें आ जाती हैं, नेचर है। हम बुराई को अपने सीने में रखते हैं और फूलों को कोट पे लगा के रखते हैं, अच्छाइयाँ ओंठों पे आकर के बाहर चली जाती हैं, और बुराइयाँ हमारे सीने में अपना स्थान बना लेती हैं। इसलिए आचार्य को कहना पड़ा आकिंचन, भले तुमने कपड़े धो लियो, मेल निकल गया हो, लेकिन अभी भी उसमें चमक बाकी है, अब उसे टीनोफल की जरूरत है। यह अकिंचन टीनोफल की तरह है,
और उसके अंदर चमक लेकर के आएगा। अभी तुमने शब्दों में छोड़ा होगा, सुनकर के छोड़ा होगा, पुरानी यादें साथ नहीं छोड़ती। अब जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। गाना है ना सहगल का, सहगल का गाना है, सहगल दीवाने थे लोग उसके। और वो एक बुजुर्ग दादाजी गा रहे हैं जो करोड़पति थे, अरबपति थे, पैसे की कमी नहीं थी, सिर्फ पत्नी ने तलाक ले लिया था, इस गाया था उन्हें वो। अब जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट। पूरे पत्नी का रूप रंग सेवा कुछ याद नहीं है। हम पॉजिटिव को अपने पास नहीं रखते, नेगेटिव को अपने पास रखते हैं। इसलिए अकिंचन धर्म को कहा गया है। एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए अच्छा है, आपके लिए मालूम नहीं मुझे। एक माँ अपने बेटे को, नया पुल बना है बॉम्बे में भी समुद्र के ऊपर, बहुत लंबा, तो माँ गाड़ी लेके निकली, वहां गाड़ी रोकना वैसे मना है, उदाहरण को उदाहरण के माध्यम से समझे। तो माँ उस बेटे को उस पुल पे लेकर के निकली, तो माँ ने बेटे से कहा कि बेटा देख, तू इधर उधर मत जा, तो इधर उधर हो जाएगा तो नीचे समुद्र में चला जाएगा, गाड़ियां बहुत है यहां पर, एक्सीडेंट हो जाएगा। ले, मेरी उंगली पकड़ ले। उसने कहा मां मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ूंगा, आप मेरी उंगली पकड़ लो, मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ूंगा, आप मेरी उंगली पकड़ लो। माँ ने कहा ऐसा क्यों कहता, पकड़ना तो एक ही समान है, मैं पकड़ू या तू पकड़े। बोले नहीं माँ, मैं उंगली तुम्हारी पकड़ूंगा और इधर देखूंगा तो भटक जाऊंगा, मेरी उंगली छूट जाएगी और मैं नीचे चला जाऊंगा, और तू पकड़ेगी तो तेरे पेट में 9 महीने रहा तो तू मेरी उंगली नहीं छोड़ेगी। देखिए शब्द को देखिएगा उसको, जिंदगी कुछ ऐसी ही है। इसीलिए कह रहे हैं कि अपने आप को आकिंचन कर लो, क्योंकि जो अनादि के संबंध है अनादि संबंधिता चा, वो संबंध एक जरा से निमित्त में याद आ जाते हैं, हमारी भावनाएं वैसी हो जाती हैं, और हम जितनी चीजें अपने कमरों में रखते हैं सब अतीत की रखते हैं, अतीत की। हम पीछे ही चलते हैं। मुझे तो ये भी एक ख्याल आता है जिंदगी में, जैसे फिल्मों पे सेंसर होता है, ऐसी आपको भी एक एक सेंसर बोर्ड बिठा लेना चाहिए अपनी जिंदगी में, सेंसर बोर्ड, आप उसके मालिक बनो, एक सेंसर बोर्ड बिठा लेना चाहिए और आप उसके हेड। अतीत फास्ट, उससे तो आपका रिलेशन नहीं है, अब भूत आप बन नहीं सकते। फास्ट से मतलब नहीं है भविष्य देखा नहीं है, वो प्रेजेंट तुम्हारे पास है। तो जिस समय जो पदार्थ तुम्हारी हेल्थ पे आक्रमण करे रसना इंद्रिय के माध्यम से, किसी दुकान पे जाके, मिठाई की दुकान पे जाके, हल्दीराम या बीकानेर की दुकान पे जाकर के जब तुम नमकीन खरीदो तो कहना हेल्थ इज वेल्थ,
हेल्थ इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, एवरीथिंग लॉस, वेल्थ इज लॉस, इज नथिंग लॉस। अगर मेरा शरीर चला गया तो भी कुछ नहीं गया, फिर खाके बना लूंगा, लेकिन ये जो 2 महीने की डेट पड़ी एक्सपायरी डेट, ये वासा खाऊंगा तो मेरे कोई भी शरीर में कुछ हो सकता है। वो सेंसर बोर्ड वाला जब मन बैठेगा तुम्हारे साथ, रिजेक्ट, ये फिल्म नहीं चलेगी मेरी जिंदगी में, आप उस फिल्म को निकाल दीजिए, आप सेंसर कीजिए कि मानव शरीर जो है वो किन पदार्थों के लिए है। ये ऐसे सड़े गले और एक्सपायरी डेट जिन पे लिखी है, तुम्हारे माथे पे एक्सपायरी डेट लिख के नहीं आई आज तक, लेकिन उसमें लिखी वेल्थ, मनी, मनी लॉस इज समथिंग लॉस, कुछ गया, उधर नथिंग लॉस, इधर समथिंग लॉस, कमाई चली गई। ऐसा पैसा जिससे डर लगता छापे पड़ने का, CBI का, इनकम टैक्स का। ऐसा पैसा जिससे घर में विकृति आती हो, बच्चे स्मार्ट होते हो, करेक्टर जाता हो, फिर सेंसर बिठा दो, मन को बिठा लो, रोक दो उसको, नहीं ये भी करैक्टर को खा जाएगा, वो जीवन खा रहा है, ये करैक्टर खाएगा। एक चीज और बची, उसे आपको सोचना है, करैक्टर लॉस एज एवरीथिंग लॉस, जिससे मेरी जिंदगी जा रही हो, जीवन मिट रहा हो, मेरा चरित्र जा रहा हो, मेरा सम्मान जा रहा हो, मेरी प्रतिष्ठा जा रही हो, मेरी कुल परंपरा की जो अमानत थी, वसीयत थी, जो प्रतिष्ठा थी, जो सम्मान था, वो जा रहा है। एवरीथिंग लॉस, सेंसर करो उस बात को। अकिंचन धर्म यही कहने के लिए आगे, बस अब तुम सेंसर करना सीख जाओ, सेंसिटिव तो हो लेकिन सेंसर नहीं हो अभी ठीक ठीक से, तुम उसके अधिकारी नहीं बन पाए, अपने मन को तुमने एक ऑफिसर नहीं बनाया। आकिंचन धर्म इतना ही कहता, अहम मैं तत्ना, ये बिल्डिंग मैं नहीं हूं, अहम मैं तत्ना, ये शरीर भी मैं नहीं हूं, अहम मैं तत्ना, ये भी मैं नहीं हूं, तो हुए माई उत्तर पूछो अपने आप से, एक ऐसी फिल्म अपनी बनाओ, क्रिएट करो आप अपने आप में, आकिंचन के द्वारा संभव है। स्कूल का टीचर भी बोर्ड पे तभी लिखता है जब उसको साफ कर दिया जाए, और धर्म भी उसका ही स्वागत करता है जिसके बोर्ड पे कुछ ना लिखा जाए, कुछ भी ना हो, आकिंचन तारीख भी मत लिखो कोने पर बोर्ड के ऊपर। और आपने कभी सोचा कि पहले हमारे यहां ब्लैक बोर्ड होते थे और उस पर चौक से लिखते थे, उसका इतना ही महत्व था कि जिंदगी पूरी काली है, जो एक दो अक्षर है बस वही सफेद है, बाकी सब काला है। हमारी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण रही। आकिंचन्य एक ऐसी परिणति, एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसे विचार कि जो अपनी गंध भी ना छोड़े भीतर, अब क्योंकि 10वें पायदान पर परमात्मा बैठा है, उत्तम ब्रह्मचर्य का अर्थ है वो परमात्मा जिसने अपने आप को पा लिया और परम पवित्रता को पा लिया है, बैठ चुका है आसन पे, आएगा बैठने के लिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा। अगर एक सुई की नोक के बराबर भी अगर परिकर रह गया तो आत्मा रिवर्स 11वें गुस्थान तक आत्मा चली जाती है, और एक संजुलन कसाई की छोटी सी कसाई का हल्का सा उदय उसे मिथ्या तक लेकर के आ सकता है।
गिरता है नीचे ग्यारहवें गुण स्थान से, नीचे एक नंबर से चलता है सांप सीढ़ी के खेल में 99 तक पहुंचता है, और एक आकांक्षा बेईमानी की सांप के मुंह में ले जाती और नीचे लाके पटक देती है। इसलिए कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो बालक ने कहा मां से, मां तुम मेरी उंगली पकड़ोगी तो सावधान रहोगी, और मेरे हाथ से उंगली छूट सकती है, चारों तरफ दृश्य ही दृश्य है और मैं उनके देखने में मगन हो जाऊंगा, और हो सकता खुजली आ जाए तो खुजा लू तो उंगली छूट जाएगी। कितना सुंदर सूत्र है, उत्तम आकिंचन्य चरम ऊंचाई, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उपशम की अवस्था में रखें अगर उदय में आ गए तो वो हमें बैक कर देंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं, एक सम्राट ने आदेश दिया फुटपाथ पर रहने वालों को, झोपड़ी झंगट वालों को, मैदानों में पड़े थे बंजारे उनको, कि जो जितना जो मेरे को भेंट करेगा मैं उससे दुगना उसको भेंट करूंगा। वो जितना मुझे भेंट करेगा मैं उसे दुगना भेंट करूंगा। अब लोभ आके बैठ गया जिंदगी में, तो लोगों ने अपने, किसी ने अपना सामान बेचा, किसी ने थाली बेची, किसी ने कोई सामान बेचा, किसी ने अपनी जमीन बेची, और वो उससे खरीद के जितनी जगह नाप लेगा मैं उसको दे दूंगा। वो उस वस्तु से डोरा खरीद के जितनी जगह नापेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोगों ने अपना अपना सामान बेचा और रस्सी खरीद ली, डोरा खरीद लिया, 100 एकड़, 50 एकड़ से ज्यादा तो हक दम ही नहीं था उनमें। एक चुपचाप बैठा था, लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई, बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले सोच रहा हूं, मेरे पास तो 2 पैसे हैं, अब सोच रहा हूं कि 2 पैसे में क्या करना है मुझे। और जब दूसरे दिन आने का समय कुछ शेष रह गया, 4 बजे उठ के उसने अपनी झोपड़ी में एक काड़ी लगा दी, हवा चल रही थी, राख उड़ गई, लोगों ने कहा कैसा पागल है, उसने तो आग लगा दी, अब उसको एक झोपड़ी भी नहीं मिलेगी और हम अपने घर देंगे नहीं जगह रहने को, हम तो एक फुट नहीं देंगे। कितना सब कुछ था दुर्योधन के पास, लेकिन 1 गज 1 फुट 1 इंच जगह देने को तैयार नहीं था। कितना सब कुछ था दुर्योधन के पास, और नारायण श्री कृष्ण से मांगा तो उसने अक्षोहिणी सेना मांगी। आकिंचन की तरफ ले चल रहा हूं आपको, और अर्जुन से, युधिष्ठिर से कहा तुम मांगो, बोले बस आप मेरे साथ रहे, कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। एक ये रूप है। अक्षोहिणी सेना आने के बाद भी दुर्योधन मर गया, चला गया, और कुछ नहीं मांगने वाला सब कुछ पा गया। सवेरे सम्राट पहुंचा तो उसने बताया कि मेरे इतनी नापली। सम्राट का ठीक, ओके 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 ओके। वो खड़ा था, बोले झोपड़ी वाला कहाँ है? उसने कहा था कि जो जितना समर्पण करेगा, तो मैंने आग लगा दी, इसकी राख तूफान में चारों तरफ फैली, वो जगह मेरी। नहीं समझे?
मैंने तो आग लगा दी, हवा चल रही थी, देखी सबके छप्परों पे झोपड़ियों पे दिख रहा है, धुआं भी दिख रहा है और उसके कण भी दिख रहे हैं और ये राख भी दिख रही है। तो अकिंचन धर्म कहता है कि झोपड़ी भी मत बचाना।